हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, अगर हमें लिंक लिस्ट के सारे नोड को डिलीट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। ये वीडियो मैं बहुत ही स्पेशल डिमांड पे बना रही हूँ, तो बहुत ही इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको वो लॉजिक क्लियर हो गया तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसका आइडिया क्या है, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिंक लिस्ट है तो हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, 1 by 1 लीनियर फैशन के अंदर, पहले फर्स्ट नोड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जब तक कि लास्ट नोड ना आ जाए हमारे पास तब तक हम इसको डिलीट करते रहेंगे। लेकिन आइडिया क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट नोड है हमें सिर्फ उसका ही पॉइंटर मिलता है, डेट इज हेड, ठीक है। हेड इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर हमने हेड को पहले फ्री कर दिया, फर्स्ट स्टेप पे ही हमने हेड को फ्री कर दिया, तो हमारे पास एक बहुत कीमती चीज हमसे लॉस्ट हो जाएगी। वो हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस पड़ा है, वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी लिस्ट हमसे चली जाएगी, हमारे पास नहीं रहेगी, फिर हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए बस हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, हम पहले एक पॉइंटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस वाले नोड का, मतलब इसके जो नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस है, वो उसमें उसको पॉइंट करके रखेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने क्या किया, एक पॉइंटर ले लिया PTR, उसको पहले मैंने क्या किया, हेड के इक्वल रख दिया, यानी कि फर्स्ट नोड को PTR भी इस टाइम पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डिलीट करना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंटर को नेक्स्ट वाले नोड के ऊपर पॉइंट करवा देंगे, यानी कि इस टाइम मैंने इसको PTR को क्या कर दिया, PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट, यानी कि डिलीट करने से पहले हमने PTR को यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हेड को फ्री कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फ्री हेड कर दिया। अब ये वाला जो फर्स्ट वाला नोड है ये डिलीट हो जाएगा, और सेफ है इसको डिलीट करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंटर है। तो इस टाइम क्या हो गया, हमारा हेड नल हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको PTR की वैल्यू देनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस हेड को इसकी वैल्यू दे देंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक पॉइंटर पड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट आएगी वो क्या रहेगी, हेड, हमने यहाँ पे PTR की वैल्यू हेड को असाइन कर दी, हेड के पास क्या आ गया, 2000। तो यहाँ पे अब हमारा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, हमने पहले ही एक पॉइंटर को वैल्यू असाइन की हुई थी, ठीक है। अब सेम स्टेप फिर से रिपीट होंगे, हम इस PTR को यहाँ से उठा के इस पे पॉइंट करवा देंगे। अब ये वाले हेड को हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, इसको फ्री कर दिया, और हमारे पास पहले से ही नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है। फिर से हम PTR की वैल्यू हेड को दे देंगे, और हेड हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको डिलीट करने से पहले इस वाले पॉइंटर को हमने यहाँ पहुँचा देना है, तो ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर हम इसको फ्री कर देंगे हेड को। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, सेम स्टेप, अब हम हेड को क्या ले जाएंगे, जहाँ पे PTR पॉइंट कर रहा है, हेड अब हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब लास्ट स्टेप पे हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि जब तक PTR नल नहीं हो जाता, इसके बाद अगर हम इसको 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, नेक्स्ट नोड पे लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली PTR क्या हो जाएगा, नल ही हो जाएगा। और इसको हेड को हम यहाँ से फ्री कर देते हैं, अब हमारा हेड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो सारे के सारे हमारे पास नोड यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं, जब तक कि PTR नल नहीं होता तब तक हमने किया, तो हमने सेम ही स्टेप रिपीट किए हैं। और जहाँ पे भी हम रिपीट कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, लूप लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम कौन सा लूप लगाएंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे, इसको एक कंडीशन में डाल देंगे। तो ट्राई करना आप इसका स्यूडो कोड लिखने के लिए, तो नेक्स्ट मैं आपको इसका स्यूडो कोड समझा देती हूँ। हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, जिसका हमें हेड प्रोवाइड किया गया है, और उस लिस्ट को हमने डिलीट करना है, ठीक है।
जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम वही सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद का स्टेप क्या है, हमें सबसे पहले एक पॉइंटर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर, जिसकी टाइप क्या है यहाँ पे, नोड। आपको पता ही है कि नोड कैसा होता है, इस तरीके का होता है, जिसके दो पार्ट है। पहला पार्ट डाटा कंटेन करता है और सेकेंड पार्ट क्या रखता है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जब हमने एक पॉइंटर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना था, पॉइंटर को असाइन भी तो करना है। क्या असाइन करेंगे हम, फर्स्ट नोड पे। अब यहाँ पे जो पीटीआर है उसकी वैल्यू क्या है, 1000, तो ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। देखो हेड की वैल्यू जो है वो किस में चली जाए, पीटीआर में चली जाए, तो हेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1000, कहाँ आ गई, पीटीआर के, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक लूप लगाना है। कब तक, कब तक लूप चलेगा, जब तक हमारा जो पीटीआर है, जब तक हमारा ये जो पॉइंटर है वो नल ना हो जाए। तो कंडीशन हम भी देख के सोच समझ के लगाते हैं कि कब हमने यहाँ पे पॉइंटर का नेक्स्ट नल लेना है या कब तक हमने पॉइंटर ही नल लेना है। तो यहाँ पे हमें इस कंडीशन की जरूरत है, तो हमने ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगा ली। कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि पॉइंटर हमारा किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, और इसका ये नल तो नहीं है, ये तो 1000 है, तो इसकी वैल्यू अभी क्या है, 1000, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। और जैसे ये ट्रू होगी ये अंदर चला जाएगा लूप के अंदर। जैसे ही लूप के अंदर आएगा, हमने हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि पॉइंटर को हमने नेक्स्ट पे कर देना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पॉइंटर हमारा किसको पॉइंट करेगा, हमारे सेकंड नोड को, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो पीटीआर का नेक्स्ट 2000 था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2000। तो ये जो हमारा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो किसको पॉइंट करेगा, हमारे सेकंड नोड को। अब हम क्या करेंगे, अब हेड को हम यहाँ से फ्री कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्री हेड। तो फ्री हेड करते ही ये 1000 वाला जो नोड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे लिस्ट से फ्री हो जाएगा, राइट। तो हम इसको फ्री कर देते हैं, तो ये हमारा जो नोड है वो क्या हो गया, यहां से फ्री हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हेड को अब हम पीटीआर वाले जो नोड है उसको पॉइंट करेंगे। तो हेड यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन क्या दी है, जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहे हैं यानी कि 2000, तो वो हेड के पास चला जाए। तो हेड की वैल्यू क्या आ गई अब, 2000। तो हेड इस टाइम कहाँ है, यहाँ पे, क्लियर। हेड के पास क्या है, 2000। अब हमने इसको डिलीट करना है, तो सब इसको डिलीट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि पीटीआर नल तो नहीं है, ना नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको लूप के अंदर चले जाएंगे और पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 3000। पीटीआर किस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। पीटीआर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3000। तो यहाँ पे ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, इस वाले नोड को, राइट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेड को फ्री कर दो। हेड हमारा क्या है, 2000, तो ये वाला नोड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्लियर। हमारे दो जो नोड है लिस्ट के अंदर से रिमूव हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमने पीटीआर की वैल्यू हेड को असाइन करनी है। तो पीटीआर की वैल्यू क्या है, 3000, तो हमने हेड को दे दिया यहाँ पे 3000। तो हमारा हेड क्या हो गया, 3000 पे आ चुका है, क्लियर। फिर से हम चेक करेंगे कंडीशन कि पीटीआर जो है नल के इक्वल तो नहीं है, नहीं है, अभी भी क्या है, ये 3000 पे है, तो कंडीशन ट्रू होगी और ये इस पे, इस स्टेटमेंट पे आ गया, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। अब पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नल, तो यहाँ पे हमारा जो पीटीआर है वो क्या हो गया, नल, ये इसको अपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। पीटीआर क्या हो गया, नल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हेड को फ्री कर दो। तो जैसे ही हेड फ्री हुआ ये यहाँ से रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया है, पीटीआर की वैल्यू हेड को साइन कर दो। तो पीटीआर हमारे पास क्या है, नल, हेड भी क्या हो गया हमारा, नल। तो लास्ट में हमारे पास हेड और पीटीआर दोनों ही नल हो चुके हैं। फिर से कंडीशन चेक करेगा, पीटीआर नल तो नहीं है, पीटीआर तो नल है, तो क्या होगी कंडीशन, फॉल्स।
तो जैसे ही ये फोर्स हुआ ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो डिलीट हो चुकी है। तो हमेशा याद रखना कि ये लीनियर फैशन में डिलीट हुई है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन। थैंक यू सो मच।